नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं बापी ट्रैक्टर हॉस्पिटल चैनल से आप सभी दोस्त और किसान भाइयों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। यह आप ट्रैक्टर जो देख रहे हैं, यह है मैसी का 1035 ट्रैक्टर। इसमें यह है कि इसमें जो क्लच है, क्लच हाउसिंग में जिसमें क्लच ज्वाइंट होता है उस खाली जगह में इंजन ऑयल जो है आके जमा हो जाता है, क्योंकि इसमें से जो है इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है। तो इंजन ऑयल लीकेज होने का दो कारण होता है, एक होता है चैम्बर पैकिंग और एक होता है मेन बेयरिंग ऑयल सील। ये दोनों खराब होने से या फिर इनमें से कोई एक खराब होने से भी ऑयल जो है लीकेज होता है इंजन ऑयल। और इसके अंदर में गियर ऑयल भी लीकेज होता है, लेकिन वो खराब होने से टॉप शाफ्ट ऑयल सील खराब होने से इसके अंदर में गियर ऑयल आएगा। कुछ कुछ गाड़ियों में ये भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी जो हमने गाड़ी खोला हुआ है, ट्रैक्टर जो खोला हुआ है मैसी का 1035, ये देख सकते हैं DI, इसमें है कि इसमें खाली इंजन ऑयल खाली लीकेज होता है, गियर ऑयल लीकेज नहीं होता है। गियर ऑयल लीकेज होने से ये देख सकते हैं, ये रहा इसका इंजन ऑयल जो है पूरा दिखाई दे रहा है। गियर ऑयल लीकेज होने से इसका ये जो टॉप शाफ्ट है इसके अंदर में ऑयल सील होता है, इसमें से होगा, लेकिन इसमें क्या है खाली इंजन ऑयल लीकेज होता है, जिसके कारण इसका जो मेन ऑयल सील खोला है हमने और इसका चैम्बर भी खोलेंगे, ये छेद से जो है ऑयल लीकेज हो रहा है, तब जाकर मालूम पड़ा है कि इसका जो चैम्बर पैकिंग भी ख़राब है। तो उसको खोलने के बाद भी आपको दिखा सकते हैं, इसका जो 13 नंबर का राउंडिंग बोल्ट है ये सब खोल के इसका चैम्बर खोला जाता है। और इसको जल्दी से जल्दी साफ सफाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका जो है मेन बेयरिंग ऑयल सील कैसे फिटिंग होता है। बहुत आसानी से फिटिंग हो जाता है, ये देख सकते हैं इसके अंदर में ऑयल सील होता है। फिलहाल अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है और इसमें गियर ऑयल लीकेजिंग का कोई समस्या नहीं है, खाली इंजन ऑयल लीकेजिंग होता है। तो इसको लगाने के टाइम बहुत अच्छे से साफ सफाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से साफ सफाई नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम देगा। इसका ऑयल सील जो है देख सकते हैं 1143 रुपये का है इसका ऑयल सील, जो कि पूरा कैचिंग के साथ आता है और इसके अंदर में एक पैकिंग भी रहता है। तो इसको जो है बहुत आसानी से ये जो है फिटिंग हो जाता है। और इसमें हम कोई बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हम जो है इसमें व्हाइट बॉन्ड का, जो कि व्हाइट कलर का होता है, वो थोड़ा यूज़ किया है। कोई कोई मैकेनिक क्या करता है, मैकेनिक भाई इसमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड लगा के इसको फिटिंग कर देते हैं, इतना बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से साफ सफाई करके इसको जो है नया पैकिंग लगा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये इसका देख सकते हैं होल, देख सकते हैं छेद जो है इसके अंदर से ऑयल की लीकेजिंग जो है अभी भी है, क्योंकि इसका जो है चैम्बर पैकिंग भी ख़राब है। तो इसका अंदर का जो साफ सफाई हो गया है, अभी इसका जो है क्लच का फिटिंग करेंगे, फिर हम इसको जो है जॉइंट देके, इसको जो जॉइंट देने के बाद ये देख सकते हैं जॉइंट करने के बाद अभी हम इसका जो है चैम्बर खोलेंगे, जिसके लिए हमें इसका ये फ्रंट कैचिंग का जो है राउंडिंग का 24 नंबर का सभी बोल्ट खोल लेना पड़ेगा। और इसका ये जो रेडिएटर का क्लैंप है 13 नंबर का बोल्ट, दोनों सेट का खोलना पड़ेगा, ऊपर का होस पाइप क्लैंप और ये नीचे वाला होस पाइप भी खोल लेना पड़ेगा। और टायर वायर तो पहले ही खोला हुआ है, क्योंकि चैम्बर के क्लच खोलने के टाइम इसको खोला था हमने, तभी इसको जो है बहुत आसानी से आगे की तरफ चला जाएगा। और इसका हेडलाइट का भी कनेक्शन खोल लेना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं ये भी बहुत आसानी से आगे चला जाता है इस तरह से। तो अभी इसका जो 16 नंबर का जितना बोल्ट है वो तो हमने पहले ही खोला हुआ था, क्योंकि क्लच खोलते टाइम इसको खोलना पड़ता है। और अभी इसका जो है 13 नंबर का पूरा राउंडिंग का बोल्ट जितना भी है सब खोलेंगे, और इसके अंदर में भी एक लंबा होता है बोल्ट 13 नंबर का, इसको भी खोलेंगे, दोनों साइड में सेम ही होता है। और इसका ये डीप स्टिक जो है इसको भी निकाल लेते हैं, और ये एक साइड में 24 नंबर का बोल्ट होता है चैम्बर में, इसको भी खोल लेंगे, और ये भी अंदर में एक 13 नंबर का बोल्ट होता है जो कि लंबा वाला बोल्ट होता है। तो
देख सकते हैं सभी राउंडिंग का बोल्ट खोल लिया है। अभी इसका ये जो 13 नंबर का लंबा बोल्ट है इसको खोल रहे हैं, तो इसको भी दिखा देते हैं आपको खोल के कि कैसे ये खोला जाता है, ताकि मैकेनिक भाई, जो भी नए मैकेनिक भाई है, छोटा मैकेनिक भाई है या फिर किसान भाई है, उनको भी समझ में आ जाए। तो ये देख सकते हैं, और ये जो सिम्पसन का जो चम इंजन होता है, जो कि मेसी में सिम्पसन का ही इंजन लग के आता है, ये सिम्पसन का इंजन जो है आइचर ट्रैक्टर में भी आता है और न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में भी आता है। तो ये जो चैम्बर पैकिंग है वो न्यू हॉलैंड, आइचर और मेसी तीनों में फिटिंग हो जाता है, एक ही साइज़ का होता है। तो ये देख सकते हैं चैम्बर कॉलर ख़राब होने के कारण इसके सामने से भी ऑयल सील लीक होता है, ऑयल सील सॉरी इंजन ऑयल लीकेजिंग होता है। तो इसको खोलने के लिए देख सकते हैं नीचे में एक जैक लगा के जैक को थोड़ा नीचे कर लेंगे, और फिर कोई भी हैंडल या कोई चीज़ से थोड़ा हल्का सा नीचे दबाएंगे तो ये देख सकते हैं नीचे की तरफ आ गया है। अभी जैक को जितना ज़्यादा नीचे करेंगे, डाउन करेंगे, चैम्बर भी नीचे आता रहेगा, बहुत आसानी से ये जो है नीचे आ जाता है, ये देख सकते हैं बहुत आसानी से जो है ये निकल गया है। अभी इसको नीचे उतार के आपको दिखाते हैं, इसमें ये देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये जो कॉलर है देख सकते हैं ना, ये पूरा इंजन ऑयल से पूरा भीगा हुआ है, पूरा काला हो गया है, क्योंकि इसके आर पर जो है इंजन ऑयल आप जाता था पीछे की तरफ, इसी के ऊपर से इंजन ऑयल जा रहा था जिसके कारण ये काला हो गया। देख सकते हैं ना ये दोनों साइड का कॉलर जो है ये तो ऊपर लगा हुआ है। अभी आपको खोल के दिखाते हैं, इस पर थोड़ा हल्का लीकेजिंग था, इसके लिए थोड़ा हल्का सा लीकेजिंग हो रहा था, लेकिन पीछे की तरफ ज़्यादा था, है ना। और इसका जो ये साइड का जो पैकिंग है ये भी हम लोग खोल के पूरा अच्छे से साफ सफाई करेंगे। और ये जो चैम्बर पैकिंग जो फिटिंग है ये पुराना मॉडल का, ओल्ड मॉडल का लगा हुआ है। आजकल तो नया मॉडल का भी पैकिंग आता है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन टिकाऊ ज़्यादा होता है, देख सकते हैं। और चैम्बर पैकिंग जो आप लगाएंगे तो उसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, पूरा अच्छे से इसका जो दोनों साइड का कॉलर है पूरा अच्छे से साफ सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना साफ सफाई के इसको लगाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका जो अभी हम पैकिंग लगाएंगे थोड़ा महंगा होता है, तो अच्छे से साफ सफाई करके लगाना पड़ता है। महंगा बोल के कुछ नहीं है, अगर आप कोई भी काम करें तो उसको थोड़ा अच्छे से साफ सफाई करके लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये काम का तरीका है, कोई भी काम कीजिए मैकेनिक भाई लोग तो अच्छे से साफ सफाई करके करना पड़ता है। तो ये कॉलर देख सकते हैं इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है, पूरा बॉन्ड जितना भी था हम लोगों ने उठा दिया है, और इसका चैम्बर का भी अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। ये कॉलर का जगह देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से साफ सफाई किया हमने, और ये जो कॉलर है ना चैम्बर कॉलर, इसको ये जो जब लीक होता है तो अब ये देख सकते हैं, ये चैम्बर जब 16 नंबर का बोल्ट लगता है इसके पीछे में थोड़ा गैप होता है, तो ये गैप में ऑयल आके जमा हो जाता है, ये देख सकते हैं ये जगह में ऑयल आके जमा होता है। फिर इसके बाद ये जो होल देख सकते हैं इसी छेद के सहारे पीछे की तरफ जो है इंजन ऑयल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि चैम्बर पैकिंग खराब होने से भी पीछे की तरफ ऑयल जाता है, और मेन बेयरिंग ऑयल सील लीकेज होने से भी पीछे की तरफ ऑयल जाएगा, क्लच हाउसिंग में इंजन ऑयल जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा तो किसान को भी बार बार ट्रैक्टर लेके गैराज में नहीं आना पड़ेगा, एक ही दिन में या फिर एक ही टाइम पे इनका जो है काम हो जाएगा, उनका भी टाइम बचेगा। तो ये रहा इसका चैम्बर पैकिंग, जो कि 678 रुपया दाम है इसका, 678 इसका MRP है, जो कि हमने आईचार कंपनी का लिया है।
और इसका पार्ट नंबर भी आप देख सकते हैं। और ये अंदर में जो है कुछ इस तरह से होता है। और ये जो पैकिंग है इसमें क्या है कि कोई भी बॉन्ड वगैरह लगाना नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल सूखा ही फिटिंग हो जाता है और इसका टिकाव भी बहुत बहुत सालों तक होता है। पहले जो कॉलर था उसका कीमत कम से कम कितना होगा, 60-70 रुपया होगा जेन्युइन टाफी कंपनी का लेने जाएंगे तो, लेकिन इसका जो है 600-700 रुपया इसका MRP है जेन्युइन कंपनी का। इसका तो कम दाम का मिलता भी नहीं है। और हमने तो काफ़ी गाड़ियों में ये जो है पैकिंग लगाया है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। हमने तो आचर ट्रैक्टर में भी फिटिंग किया है, न्यू हॉलैंड में भी फिटिंग किया है और मेसी का तो बहुत सारे ट्रैक्टर में फिटिंग किया है, लेकिन वीडियो पहले नहीं डाला था क्योंकि पहले मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था, यूट्यूब में मैं वीडियो नहीं डालता था। अभी फ़िलहाल डाल रहा हूँ तो इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत पहले भी इसको यूज़ किया है, बहुत अच्छा क्वालिटी का ये पैकिंग जो है बनाया है कंपनी है, क्योंकि एक बार में लगाने से किसान का चैम्बर जो है बार बार खोलना नहीं पड़ेगा ट्रैक्टर का। तो ये जो कॉलर है ये थोड़ा रबर का होता है जो कि बहुत दिनों तक चलता है। पहले क्या था, वो जो कॉलर था दूसरा होता है जो लीकेजिंग हो जाता था। तो इसके साथ में दो पेपर भी मिलता है स्टिकर टाइप, इसको हम नहीं लगाएंगे, उसके बिना ही हम डायरेक्ट इसको लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं चैम्बर को भी हमने अच्छे से साफ सफाई कर लिया है और पुराना जितना इसमें बॉन्ड लगा हुआ था इसको भी साफ सफाई कर लिया है। और पैकिंग चैम्बर पैकिंग जो है आपको दिखाते हैं अभी, बहुत आसानी से जो है फिटिंग हो जाता है। ये देख सकते हैं दोनों साइड में 4 स्टार्ट बोल्ट होता है, एक साइड में 2 स्टार्ट बोल्ट होता है, दो कोने में 2 स्टार्ट बोल्ट होता है। तो इसको स्टार्ट बोल्ट में अंदर में कुछ इस तरह से लगा दीजिए, अंदर डाल दीजिए तो ये नीचे नहीं गिरेगा, बहुत आसानी से फिटिंग हो जाता है। अगर आपको इसे भी दिक्कत होता हो तो आप थोड़ा हल्का सा ग्रीस लगा के, पैकिंग में ग्रीस लगा के इसको बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पेपर का पैकिंग ये देख सकते हैं, पैकिंग जो है इसमें ग्रीस लगा के बिठा सकते हैं। कॉलर में ग्रीस देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कॉलर जो है टाइट देने पर साइड हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा, दिक्कत हो सकता है। खाली आप पैकिंग में लगा दीजिए तो कुछ इस तरह से बहुत आसानी से फिटिंग हो जाता है। हमने इसमें कोई बॉन्ड या कोई भी फेविक्विक या कोई कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट ऐसे ही लगा दिया। अभी चैम्बर को जो है धीरे धीरे उठाएंगे और ये देख सकते हैं धीरे धीरे जैक के सहारे उठाएंगे तो ये जो पैकिंग है अपने जगह पे पूरा बैठ जाएगा और इसका कॉलर जो है ये भी अपने जगह पे बैठ जाएगा। तो अभी आपको दिखाते, ये देखिए इसका जो कॉलर है बिल्कुल अपने जगह पे जो है आसानी से बैठ गया है। अभी इसमें से लीकेजिंग होना तो नामुमकिन है क्योंकि इसका जो टिकाऊ है सालों तक है, सालों तक इसका टिकाऊ चलता है, बहुत ही अच्छा है। अभी इसका जितना भी राउंडिंग का बोल्ट है 13 नंबर का सभी को टाइट कर लेंगे, लगा लेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में और मैकेनिक भाइयों में शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे ट्रैक्टर रिपेयरिंग का वीडियो है, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके बापी ट्रैक्टर हॉस्पिटल जो चैनल है उसमें जाके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।